ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। अमेरिका ने एक बार फिर चीन को तगड़ा झटका दिया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करने के आरोप में अमेरिका ने चीन की कई रक्षा उत्पादक कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका की इस कार्रवाई से चीन बुरी तरह भड़क उठा है। चीन ने इस बैन का विरोध भी शुरू कर दिया है। चीन का कहना है कि वो देश के व्यवसाय से जुड़े अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। आपको बता दें, अमेरिका ने रूस, यूरोप, एशिया और पश्चिम एशिया में सैकड़ों कंपनियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका ने उन कंपनियों पर ऐसे उत्पाद तथा सेवा देने का आरोप लगाया है जिनसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को मदद मिलती है। वहीं जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका ने 400 रूसी और चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वो चीन से रूस तक दोहरे उपयोग वाले सामान के निर्यात को लेकर काफी चिंतित है। चीन में वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम का विरोध किया। चीन के लिए समस्या ये है कि इस कदम से अब चीनी कंपनियों के अमेरिकी कंपनियों से व्यापार करने पर रोक लग जाएगी। चीन का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई एक तरफा प्रतिबंध है और इससे वैश्विक व्यापार और नियम पर असर पड़ेगा। चीन अमेरिका से इसे रोकने का अनुरोध करता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ये भी कहा कि वो अपनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। आपको बता दें, अमेरिका ने उन कंपनियों और व्यक्तियों को निशाना बनाया है जिनके उत्पाद से रूस को अपने सैन्य प्रयासों को बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस प्रतिबंध सूची में 34 रूसी शामिल हैं, जिनमें रूसी रक्षा मंत्री एंड्री बेलासोव के बेटे पावल बेलासोव भी शामिल हैं। इसके अलावा बेलारूस, तुर्की, इटली, स्विट्जरलैंड के नागरिक भी अमेरिकी प्रतिबंधों में शामिल हैं। वहीं चीन की डालियन मशीन टूल ग्रुप की आयात निर्यात शाखा भी शामिल है, जिसके बारे में विदेश विभाग ने कहा है कि उसने रूसी कंपनियों को $4 मिलियन की दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की आपूर्ति की थी। ट्रेजरी ने 20 से अधिक हांगकांग और चीन स्थित फर्मों को भी निशाना बनाया, जिसके बारे में कहा गया था कि वो रूस के सैन्य औद्योगिक आधार को आपूर्ति कर रहे हैं। वॉशिंगटन में चीन के दूतावास ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन चीन का कहना है कि उसने यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को हथियार उपलब्ध नहीं कराए हैं, लेकिन वो चीन और रूस के बीच सामान्य व्यापार का बचाव भी करता है। अब देखना ये होगा कि चीन के इस विरोध से अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि चीन अमेरिका पर पूरी तरह भड़क उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।